मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कोरोना महामारी तेजी से अपने पैर पसार रही है। अब कोरोना वायरस ने शहर के साथ साथ छोटे नगरों में भी अपनी दस्तक दे दी है। ताजा मामला बेटमा थाना क्षेत्र के जीवन ज्योति कॉलोनी का है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी मिलते ही तहसीलदार बजरंग बहादुर, नायब तहसीलदार नीरज प्रजापत, बेटमा थाना TI संजय शर्मा, मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र सिंह चौधरी सभी अपनी अपनी टीमों के साथ मौके पर पहुंचे और 75 वर्षीय सीनियर सिटीजन विश्वनाथ प्रजापत को इंदौर रेफर किया गया। साथ ही उनके 5 परिजनों को होम क्वारंटाइन कर इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। पेशेंट है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, विश्वनाथ दाता प्रजापति, और इनको अब इलाज के लिए MTH इंदौर रवाना किया गया है। और इनका जो निवास है यहाँ 4 लेन के ऊपर ही है, तो इनके आसपास के घरों को कंटेनमेंट जोन बनाकर रखा जा रहा है। और इस पर जो भी कंटेनमेंट जोन के भीतर रहने वाले लोग रहेंगे उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। इसी प्रकार से बाहरी लोगों को भी कंटेनमेंट जोन के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी। और इनके जो भी परिजन हैं उनका प्रॉपर सैंपलिंग कराया जाएगा। और चूँकि ये किराएदार थे तो इसके मकान मालिक के साथ अन्य किराएदारों को भी होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। सर, इस कॉलोनी में और भी बिल्कुल जो डॉक्टर्स की टीम आएगी वो इनका परीक्षण करेगी और जिस पर भी सिम्टम दिखेंगे उनका सैंपल लिया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर और आगे की कार्रवाई आएगी। सर, ये इंदौर ज़िले और धार जिले की भी बाउंड्री कहलाती है और बीच में बहुत मेला लगता है यहाँ पर, उसका सर क्या करेंगे आप? इस समय दोनों के तहसीलों के अधिकारी जो उपाय है, जो प्रतिबंधात्मक उपाय है, वो सारे यहाँ किए जाएंगे। एक विश्वनाथ प्रजापति करके व्यक्ति जिन्होंने जिसको कल इंदौर में थे और उन्होंने इंदौर में अपनी जांच कराई थी शुगर क्लिनिक में जाके, इसमें उनको उनकी टेस्ट आ जाएगी और आज कोरोना पॉजिटिव आए। इस बीच में वो कल यहाँ, इनका एक लड़का यहाँ रहते हैं वहाँ पे, उनके लड़के के पास आ गए तो चूँकि वो रिपोर्ट आ जाई और आज उनको रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसलिए उनको आज एक क्वारंटाइन इंदौर MTH हॉस्पिटल में रेफर करके इंदौर MTH हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उनके परिजनों को सबको होम क्वारंटाइन करा है साथ में और उनका कल अपन शायद सैंपल लेंगे बेटवा में ही, और बाकी उनको सबको होम क्वारंटाइन देना और उनको किसी की तकलीफ हो तो सबको होम क्वारंटाइन करेंगे, जिसको लक्षण होंगे उनको ही सिम्टम्स अपन सैंपल लेंगे और ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट है इनके परिवार के लोगों का सैंपल लेंगे।